और चलिए मुजफ्फरनगर का रुख करते हैं, हॉट सीट मानी जा रही है। दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, मौसमी और वरुण। अब मौसमी, जिस तरह से हम देख रहे हैं फरवरी की सर्द सुबह है, कोहरा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी वोटर्स पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर। और इस वक्त की तस्वीरें अगर आप दर्शकों तक पहुंचा सके और हो सके तो कुछ वोटर्स से हम जानना भी चाहेंगे कि किन मुद्दों पर आज वो वोट डाल रहे हैं। जी देखिए, आज वोटरों का दिन है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, मेरा भी दौर आएगा। तो वोटर यही सोच रहे होंगे कि प्रचार का दौर खत्म हुआ है, अब उनका दौर आया है। और जाहिर तौर पे मुजफ्फरनगर में लगातार जिस तरह से आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है, आपको मिलाते हैं, ये हमारे बाईं तरफ वो वोटर हैं, दिखाइए सब लोग निशान, ये वोट डाल के आ गए हैं। जाहिर तौर पे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, आज लोकतंत्र का जश्न है। और दाईं तरफ वो वोटर हैं जिनको वोट डालने का मौका नहीं मिला है, उनको वापस भेजा गया। पहले आपसे पूछ लेते हैं, आपकी समस्या क्या है? आप दोनों वोट नहीं डाल पाए, आ गया डाल पाए, मैं कह रहे हैं मशीन खराब है, अब दो घंटे बाद आना आप। अब बताओ, बुढ़ा आदमी 75 साल का, मैं दो घंटे बाद कैसे आऊंगा? बहुत दूर से तो आना पड़ेगा। आप एक घंटे से इंतजार करें, मैं देखा कि काफी पहले आप एक घंटे मुझे इंतजार करते हुए तो हो गया, अब भी एक आधो घंटे माना। आपको क्या बोला गया? मुझे भी मशीन खराब होने का बोला गया, मैं घर पे बोल के आया था कि मैं पहले वोट डालाता हूँ फिर आप लोग आ जाइएगा। वो लोग भी आ चुके हैं, वो मेरा इंतजार देख रहे थे कि मेरी फैमिली है। जी सर, आप लोग भी सब इनके घर के हैं, पर अभी इंतजार करना पड़ेगा। जी जी जी, हम इंतजार कर रहे हैं अभी काफी देर से, और मशीन खराब बता रहे हैं जी, इंतजार ही करना पड़ रहा है। तो ये देखिए, सारे वोटरों की जो लाइन है यहाँ पे लगी हुई है, ये वोटर वो वोटर हैं जो सुबह से आ गए हैं, तमाम महिलाएं भी हैं जो इंतजार कर रही हैं। आप दोनों वोट डाल के आए हैं, कितनी खुशी है? बहुत बहुत खुशी है। सुबह नमाज पढ़ के वोट डाली, अब नाश्ता करेंगे जाके। बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम यही हुआ, आपको भी भेजे नाश्ता। नहीं नहीं, ये तो मुजफ्फरनगर की देखिए कितनी मिठास है, यहाँ के लोगों की मिठास है कि मोहब्बत का नगर कहा जाता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मोहब्बत नगर ही है। तो क्या डाल दिया आपने सुबह ना डाल दिया, अब नाश्ता करेंगे जाके, सुबह वोट डाल दिया जाके। तो चुनाव आयोग के संज्ञान में हम लाना चाहते हैं कि इस्लामिया इंटर कॉलेज है, यहाँ पर इतने सारे वोटर हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इनको दो घंटे बाद वापस आने को कहा गया है, क्या संभव होगा? आप जाएंगी फिर वापस आएंगी, आपके लिए संभव होगा? जी, इंतजार करने को बोला गया, हम कर लेंगे इंतजार। क्या लगता है आपको, क्यों जरूरी है वोट डालना? आप युवा है, हमारा अधिकार है, जिसे हम पसंद करते हैं हम उसे वोट देंगे और सिलेक्ट करेंगे। जी, बता दें आपको कि मुजफ्फरनगर सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और यहाँ पे कपिल देव जो कि राज्य मंत्री हैं योगी सरकार में, उनका मुकाबला हो रहा है सौरभ स्वरूप से। सौरभ स्वरूप के भाई भाजपा चले गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, और पुरानी पारंपरिक उनकी ये सियासत रही है, यहाँ पे परिवार की सियासत रही है। तो देखते हैं कि क्या मुजफ्फरनगर की जो चाय, जिसमें कहा जाता है चीनी है या चीनी में चाय है, ये पता नहीं चलता, उसमें देखते हैं कि किसका सियासी घोल मिलता है।